लॉ ऑफ थॉट्स के इस लेक्चर सीरीज में हम अपने प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इस टॉपिक से डील करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रेसपास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। हमने ये जाना कि ट्रेसपास बेसिकली दो तरह से हो सकता है, पहला ट्रेसपास टू दी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में दो तरह के प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल, और दूसरा ट्रेसपास टू बॉडी, जिसमें तीन तरह के ट्रेसपास हो सकते हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लो। उसमें हमने ट्रेसपास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेसिक वे में समझा है, और एक बार अगर वो वीडियो आप देखते हो तो ट्रेसपास का जो कॉन्सेप्ट है आपको कभी नहीं भूलेगा, राइट? तो चलिए उसी डिस्कशन को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट टाइम में हमने ये जाना कि देयर आर फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें बेसिकली हमने लैंड के बारे में बात किया था। अपने लास्ट डिस्कशन में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेसपास टू लैंड इस टॉपिक को समझा था। इसमें हमने ये जाना कि देयर आर थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला अनऑथराइज्ड एंट्री, जो ट्रेसपासर है वो क्लेमेंट के लैंड के ऊपर अनरीजनेबल अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस करता है। दूसरा, वो जो लैंड है इट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के पोजीशन में होना चाहिए, फिर चाहे एक्चुअल पोजीशन हो या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो। तीसरा, एंट्री मस्ट बी वॉलेंट्रीली एंड इंटेंशनल, उस ट्रेसपासर ने जो एंट्री किया है वो उसने अपने इच्छा से किया है, वॉलेंट्रीली किया है, और इंटेंशन था उसका। तो दीज आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेसपास टू लैंड, राइट? हमने कुछ केसेस भी देखा था, जैसे ग्रेगरी वर्सेस पाइपर, अब्दुल गनी वर्सेस तादू राम एंड अदर्स, केल्शन वर्सेस इंपीरियल टोबैको कंपनी, और बेसली वर्सेस क्लार्कसन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस अवेलेबल टू द ट्रेसपासर इन केस ऑफ ट्रेसपास टू लैंड, क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल हैं जिनको अडॉप्ट करके, जिनको यूज करके ट्रेसपासर अपने लाइबिलिटी से खुद को बचा सकता है, राइट? तो पहला है लाइसेंस। सपोज करो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ये राइट दे रखा था, लाइसेंस दे रखा था कि ये पर्सन उसके इस फील्ड को इस पर्पस के लिए इतने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेगा। सपोज बी हैज गिवन लाइसेंस टू ए फॉर द यूज ऑफ बीज लैंड इन दिस पर्टिकुलर मैनर एंड अप टू दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे ए का जो एक्ट है उसे ट्रेसपास नहीं माना जाएगा अगर ये इस लैंड पर इंटरफेरेंस करता है, क्योंकि इसने लाइसेंस पाया है, ही हैज गॉट लाइसेंस फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंड, तो ये ट्रेसपास नहीं होगा। लेकिन अगर बी ने अपने लाइसेंस को रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया,
फिर भी ए उस लैंड पर बना रहता है तो इसे ट्रेस्पास एब इनिशियो माना जाएगा, राइट। तो ट्रेस्पास लाइसेंस का डिफेंस ले सकता है, वो ये कह सकता है कि उसने जिस लैंड पर इंटरफेरेंस किया उसे लेकर के उसके पास लाइसेंस मिला हुआ था ओनर की तरफ से, तो अगर ऐसा है तो उसका एक्ट ट्रेस्पास नहीं है। दूसरा क्या है, जस्टरिटी। इट इज अ डिफेंस वेयर डिफेंडेंट कैन प्रूव दैट द लैंड इज नॉट पॉसेस्ड बाय प्लेंटिफ बट बाय थर्ड पार्टी। मान लो एक और पर्सन है, पर्सन सी, और ए इज एंगेज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, बी उसके ऊपर ट्रेस्पास के एलिगेशंस लगाता है, लेकिन ए कहता है कि इस लैंड का जो पोजीशन है वो तुम्हारे पास नहीं है बल्कि सी के पास है, क्योंकि सी क्या है, इस लैंड का ओनर है, या इस लैंड का जो पोजीशन है वो सी के पास है और तुम्हारे पास इस लैंड का पोजीशन नहीं है, तो तुम ऑथराइज नहीं हो मुझे इंटरफेरेंस करने से रोकने में। तो यह है जस्टरिटी, बिकॉज दैट लैंड इज बीइंग पॉसेस्ड बाय थर्ड पर्सन। तो जस्टरिटी भी एक डिफेंस है। तीसरा डिफेंस है नेसेसिटी। ट्रेस्पासर ने जो ट्रेस्पास किया इमूवेबल प्रॉपर्टी पर वो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम नेसेसिटी की वजह से किया, उस समय उसने जो ट्रेस्पास किया उसे लीगली जस्टिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द एरिया और ये है मिस्टर ए का लैंड और ये है मिस्टर बी का लैंड, राइट, बोथ आर नेबर ऑफ ईच अदर। अब सपोज करो कि मिस्टर बी ने अपने एरिया पर कैटल फार्मिंग कर रखा था, पशुपालन कर रखा था और कई कैटल्स थे इसके इस पर्टिकुलर एरिया पर। ड्यू टू स्पार्क और ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इस एरिया में आग लग जाता है। मिस्टर ए इस चीज को देखते हैं और इन कैटल्स को बचाने के लिए वो बी के लैंड पर इंटरफेरेंस करते हैं, जाते हैं। इन ऑर्डर टू सेव द पिट एनिमल्स, तो यहां पे इन्होंने जो ट्रेस्पास किया बी के परमिशन के बगैर उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो ट्रेस्पास किया वो बोनाफाइड इंटेंशन से किया, गुड इंटेंशन से किया, और इस समय उनका जो ट्रेस्पास था वो एक्सट्रीम नेसेसिटी के कंडीशन में था, उनका करना ये जरूरी था, राइट। तो नेसेसिटी, दीज आर सम डिफरेंसेस व्हिच आर अवेलेबल टू द ट्रेस्पासर इन केस ऑफ ट्रेस्पास टू द लैंड, राइट। नाउ वी विल डिस्कस ट्रेस्पास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अब तक हमने ट्रेस्पास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझा, अब हम बात करेंगे ट्रेस्पास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज बेसिकली अ रॉन्ग अगेंस्ट द राइट ऑफ पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ। ट्रेस्पास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिस पॉइंट पर हम फोकस करते हैं वो रहता है ओनरशिप। कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो किसी दूसरे पर्सन का है और वो उस लैंड का ओनर है, यानी उस लैंड का जो पोजीशन है वो उस ओनर के पास है और आपने उस ओनर के परमिशन के बगैर उसके लैंड पर किसी भी तरह से इंटरफेरेंस किया, आइदर बाय फिजिकल और बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट।
ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी में हमें केवल पोजीशन देखना होता है कि जो गुड्स हैं उसका पोजीशन किस पर्सन के पास है, राइट right. यहां ओनरशिप का कोई रोल नहीं होता है. तो अगर किसी पर्सन के पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो उसके पोजीशन में है और हम किसी प्रकार से ट्रेसपास करते हैं उसके उस प्रॉपर्टी पर, किसी प्रकार से इंटरफेरेंस करते हैं, भले ही वो जो गुड्स उसके पास है वो उसका नहीं है, ही इज नॉट द रियल ओनर. हाँ, कुछ समय के लिए उस गुड्स का पोजीशन उसके पास अगर है और हम अगर इंटरफेरेंस करते हैं तो हम ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि ही और शी इज नॉट रियल ओनर, राइट. तो यहां पे पोजीशन मायने रखता है, ना कि ओनरशिप. अब एक केस है हमारे पास, अरमोरी वर्सेस डेला मेरी. अरमोरी वर्सेस डेला मेरी. इस केस में क्या था कि एक पर्सन ने कहीं से कोई ऑर्नामेंट्स पाया और इस ऑर्नामेंट को बेचने के लिए वो एक गोल्ड स्मिथ के पास जाता है. गोल्ड स्मिथ को आइडिया लग जाता है कि ये जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है और इसने इस प्रॉपर्टी को कहीं से पाया है. वो गोल्ड स्मिथ इस ऑर्नामेंट को खरीदने से इनकार कर देता है और उस गुड्स को अपने पास ही रख लेता है. When case is instituted against that shopkeeper, तो कोर्ट कहता है कि भले ही वो पर्सन उस गुड्स का ओनर नहीं था लेकिन क्योंकि उस गुड्स का पोजीशन उसके पास था और आपने जो कुछ किया वो उसके कंसेंट के बगैर किया, उसके जो गुड्स थे जो उसके पोजीशन में थे आपने अपने पोजीशन में ले लिया, तो ये ट्रेसपास है. इट इज ट्रेसपास, क्योंकि जो गुड्स है वो प्राइमरी किसे बिलोंग करता है, उसी पर्सन को करता है. इट डज नॉट मैटर इफ रॉन्ग इज कमिटेड इंटेंशनली नेग्लिजेंटली और इवन बाय ऑनेस्ट मिस्टेक. तो ये मैटर नहीं करता है कि जो रॉन्ग आपने कमिट किया उसके गुड्स के पोजीशन को आपने छीन करके अपने पोजीशन में लिया, वो आपने इंटेंशनली किया या नेग्लिजेंटली किया या ऑनेस्ट मिस्टेक के साथ किया. अगर आपने ऐसा किया है तो ये ट्रेसपास है, राइट. क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होगा वो पोजीशन के ऊपर होगा कि जो गुड्स है वो किस पर्सन के पास इमीडिएट पोजीशन में है, राइट. फिर एक और केस है हमारे पास, किर्क वर्सेस ग्रेगरी. किर्क वर्सेस ग्रेगरी. इसमें क्या था कि एक डिजीज्ड पर्सन था, उसके कुछ गुड्स थे, राइट. अब उन गुड्स को उसने एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हुआ था, उस डिजीज्ड पर्सन के, उस मृतक व्यक्ति की जो बहन थी उसने उस गुड्स के पोजीशन को बदल दिया और दूसरे जगह पर रख दिया, इस इंटेंशन से कि अगर इस जगह पर गुड्स रहते हैं तो ये सेफ रहेंगे और कोई इन्हें चोरी नहीं कर पाएगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गुड्स चोरी हो जाते हैं. जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ये कहता है कि उसके गुड्स जो डिस्प्लेस किए गए सिस्टर के द्वारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, उन गुड्स को डिस्प्लेस करने का राइट सिस्टर के पास नहीं था. और ये जो एक्ट है सिस्टर का वो बेसिकली ट्रेसपास में आएगा, राइट. लॉफुल जस्टिफिकेशन और इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये वैलिड डिफेंस है टू द टॉट ऑफ ट्रेसपास टू गुड्स. तो ट्रेसपास टू गुड्स के केसेस में दो डिफेंसेस अवेलेबल है, पहला लॉफुल जस्टिफिकेशन
और दूसरा इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा हुआ है। तो ये था आपका ट्रेसपास का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसे हमने दो वीडियोस में कवर किया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेसपास टू पर्सन या ट्रेसपास टू बॉडी, जिसे आप कहते हो, जिसमें तीन तरह के ट्रेसपास होंगे, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फिर हम बात करेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कन्वर्जन, डिफेमेशन। तो ये तीन चार टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। अगर आप इस वीडियो के नोट्स पाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी है ra.jan9827। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।